मेरा एक स्टूडेंट है एआरओ मेरठ से, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फिजिकल, तो उसकी क्वालिफाई का जो एक्सपीरियंस है मैंने उसे बात किया है, उसको लाइव आने में डर लगता है लेकिन वो लाइव नहीं आया, लेकिन मैंने उनसे सारे डिटेल्स पूछ लिया। जो डिटेल्स उसने मुझे बताया है मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले उसको पूछा मैं कि तेरे को कितना टाइम दिया, कि 1600 मीटर के लिए कितना टाइम दिया। वो बोला सर ऑनेस्टली 5:45 पे पहले बंदा आया, इसका मतलब 6:30 तक उनको टाइम दिया था लास्ट बंदा, बोला सर 6:30 तक। मैंने पूछा फिर कितने दौड़ा था बंदा, बोला सर 75 का एक बेस था सिपाही फार्मा की, जिसमें सर 75 का बेस था सर। तो 75 में से मैंने रखा कितना, 31 बंदा रखा, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे मैं आपको पोस्ट आपको बताते हैं, आप कमेंट्स करते हो कि इस एआरओ में कितना पोस्ट है, इस हिसाब से देखो कितना बंदे उन्होंने छांट लिए, 75 से 31 समझ लो यहाँ पर, ठीक है। मतलब 40-45 बंदा यहीं काट दिए, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तो बात की बात है, तो समझ गए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रिटिन में जितना मार्क आप ठोक के ले सकते हो बिल्कुल लो, वहीं पर आपके क्या है सारी चीज़ आई। यहाँ पर तो देखिए रनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6:30 तक टाइम दिया एआरओ मेरठ का, ठीक है। कहाँ से दिया, 5:45 पर पहला बंदा, 6:30 तक क्लोज कर दिया उन्होंने, 31 बंदे रखे। उसके बाद मैंने बोला जो लॉन्ग जंप्स और उसका क्या बीम कितना लगाया, बोला सर जिसका 5 बीम 5.5 मतलब 6 बीम भी नहीं लगाया उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे 31 का उनका बेस था, जिसकी 5 भी बीम लग रहे हैं, मान लीजिए 6 चाहिए, अगर 5 लग रहे हैं और 5.5 लग रहे हैं मतलब उठ ही नहीं पा रहा है, तो उसको भी कंसीडर किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी भी 5, 5.5 लग रहा है। यहाँ पर ये नहीं कि आज से 5 लगाना शुरू कर दो, बस 6 शुरू कर दो, ये जिसमें एक एक्सपीरियंस जो उससे बात किया मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्क्रीन शॉट आप देख सकते हो, ठीक है, आपकी ये आगे रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं होना, सिर्फ मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बीम आपके खत्म हो गया। लॉन्ग जंप में बोला सर 3 चांसेस दिए, 3 चांसेस में भी जिसकी भी नहीं हुआ, थोड़ी बहुत रह गया उसको भी और 1-2 चांसेस दिया गया सर, उसको बिल्कुल पास कराया गया। मैंने बोला जो वेट कैटेगरी में काटते बंदे को उनको क्या पॉइंट मिला, तो बोला कि वेट कैटेगरी में सर कोई पॉइंट नहीं मिला, लगभग जो सारे बंदे थे वो फिट थे सर, कोई बंदा 1-2 kg 3 kg जो ज़्यादा था सर उनको भी फिट कर दिया जाए, ज़्यादा रिजेक्शन नहीं किया गया। साथ में मैंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स तो लेके गया उसका क्या है, बोला सर हर एक डॉक्यूमेंट्स का 5 कॉपी का फोटो स्टेट चाहिए, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सर आपने वीडियो में बताया था वही है डॉक्यूमेंट्स का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हमने चैनल पे बना के रखा है A to Z डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पर जाके देखिए और कैसे, यहाँ तक कि प्रिंटआउट कौन सी क्वालिटी का वहाँ भी बताया है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना आपको भेज देंगे, वहाँ पर जाके देख लेना और डॉक्यूमेंट रेडी कर देना। एज पर मैंने बोला था वहाँ पर 10-20 कॉपी लेके जाना, यहाँ पर इसने बोला कि 5-5 कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट चाहिए, तो करके लेके जाना। और ये था कुछ एआरओ मेरठ की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए, एंड आगे भी जैसे जैसे हमारे कैंडिडेट क्या बोलते हैं सिलेक्ट होते जाएंगे वो आपको लाइव में आएंगे और आपकी एक्सपीरियंस देंगे। यहाँ पर इसने मना किया, बोला सर एक बार मेरिट लिस्ट निकल जाए फिर मैं आपके लाइव में आऊँगा। तो होप सो इनकी निकल जाए और हम सभी आशा करते हैं इनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद इनको लाइव में लाएंगे और अपनी एक्सपीरियंस A to Z फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक दिलवाएंगे आपको। थैंक यू, जय हिंद एंड लाइक दिस वीडियो।